Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asman Khan hazir aaj ek new video ke saath jisme aapko sikhaunga ke kis tarah shortcut command active ki jati hain, shortcut commands active ya assemble ki jati hain in SketchUp 2015. Kuch systems mein ye basic issue aa gaya tha ke jaise hi main kuch bhi press karta hoon ye L press kiya to koi bhi command show ho rahi line ki, P press kiya to pull ki nahi show ho rahi koi bhi command. To uske liye karna kya hai, sabse pehle jaake yahan pe window mein jaye jaakar to ye preference diya hua, preference mein jaake click kar to ye shortcut. To shortcut mein aapne sabse pehle line ki command, idhar filter mein jaake line likhe, ye line likh diya maine aur ye line aa gayi, free hand aa gayi aur dusri aa gayi. यहां पे जाके L प्रेस करके तो प्लस का बटन दबा देना है. ओके, तो इसी तरह आपने O की कमांड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट आ गया. यहां पे O लिख कर आपने प्रेस करना है, ये किया ओके कर दिया. तो देखिए ये ऑर्बिट की कमांड एक्टिव है, ये हमारे पास लाइन, जैसे मैंने एल प्रेस किया तो लाइन की एक्टिव हो गई. ये देखिए एक्टिव हो गया. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके. तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जाके ये सारी कमांड्स प्रेफरेंस में जाके सारी कमांड्स यहाँ पे फिल्टर में जाएं, एम मूव की कमांड है, एम ओ बी, ये आ गया मूव की कमांड, मूव की कमांड लगा दी, ये प्रेस कर दिया, ये आ गया. उसके बाद दूसरी कमांड है मेरे पास इरेज की, ई की कमांड है, ये ई पहले से एक्टिव है लेकिन हम आपको सिखाने के लिए दोबारा एक्टिव करना ज़रूरी है, ये कर दिया, ये इसलिए ऑप्शन दे रहा है क्योंकि ये पहले से एक्टिव की हुई है मैंने. अच्छा, तो नेक्स्ट कमांड है मेरे पास टैब की, तो टी ए पी यहाँ पे जाके आप लिखें तो ये टैब और मेजरमेंट की कमांड आ गई है. ये आपने टी लिख देना है, डबल फिगर यहाँ पे मना किया जाता है, ये कर दिया, ये भी हो गई. फिर नेक्स्ट आपके पास कमांड है एफ की, यानी कि ऑफसेट की, ऑटो कैड में एफ से होता था, ओ से होता था, यहाँ पे एफ से है. ये ऑफसेट में जैसे ही लिखूंगा ये यहाँ ये आ गया ऑफसेट, ये लिख दिया, तो ये एफ प्रेस करें, ये कर दिया एफ, तो ये देखें. उसके बाद हमारे पास कमांड है रेक्टेंगल की, आर आर ई सी, ये आ गई रेक्टेंगल एंड शेप, ये कर दी, ये पहले से एक्टिव है वैसे ही दोबारा प्रैक्टिस होगी कोई बात नहीं, तो ये ओके कर दें. ये हमारी सारी कमांड, ये देखें रेक्टेंगल से ये पुश एंड पुल की कमांड है, पी से आती है, ये देखें, ये ऑफसेट, जैसे ही मैं एफ प्रेस करता हूँ ये देखें एफ, तो ये ऑफसेट की कमांड आ गई, ये इसको मैं दोबारा पी प्रेस करूँ तो ये देखें, ये देखें, ये कमांड एक्टिव हो गई है. तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.